हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि सर्दियों के टाइम पे हम कौन से प्राणायाम कर सकते हैं और कौन सा स्पेसिफिक ऐसा प्राणायाम है जो कि हमें कफ, कोल्ड और जुकाम जैसी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव कर सकता है, और साथ साथ में जिनको शिकायत होती है लो बीपी की, उनको कैसे क्योर कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको साइनस प्रॉब्लम है, कफ की दिक्कत रहती है, जुकाम रहता है, और या गले में बहुत घरघराहट है, इस तरीके की मतलब जो भी कोल्ड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको शॉर्ट आउट करने के लिए मैं आज आपको एक ऐसा स्पेसिफिक प्राणायाम बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात ये क्या है, जैसे अभी विंटर्स का टाइम चल रहा है तो विंटर्स के लिए एकदम रामबाण इलाज है। तो यानी इस टाइम पर आप इसका अभ्यास बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही बोलूँगी कि इस प्राणायाम को आप जितना करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो मैं आपको पहले बता दूंगी कि प्राणायाम किस तरीके से करना है। दोस्तों, होता क्या है, हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसी तरीके से क्या होता है प्राणायाम भी है। जैसे एक तरीके से चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम, ये दो प्राणायाम होते हैं। चंद्र जो कि हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल से रिलेटेड होता है, वहीं सूर्यभेदी जो कि हमारे राइट नोस्ट्रल से एक्टिव होते हुए आता है, यानी जो लेफ्ट का प्रोसेस होता है वो बॉडी को कोल्ड देने का प्रोसेस कंप्लीट करता है, और वहीं से राइट जो आपका नोस्ट्रल होता है वो बॉडी को हीट देता है। राइट दैट मीन्स सूर्यभेदी प्राणायाम जो कि सूर्य और हीट का एक सिंबल बन जाता है, वहीं चंद्रभेदी यानी कोल्ड, ठंडक यानी चंद्रमा का प्रकाश, इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि सूर्यभेदी प्राणायाम आप किस तरीके से कर सकते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम बहुत ही इजी प्रोसेस है, एवरीवन कैन फॉलो दिस वेरी इजीली। आपको करना क्या है, अपने हैंड्स का यूज़ करना है, इसमें आपकी फिंगर्स का यूज़ होगा, देख लेंगे इस तरीके से। अपनी मिडिल और इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से अपने थंब के नीचे लगा लेना है बहुत ही इजीली। अब यहीं से आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर देना है इस तरीके से। अपने रिंग और पिंकी फिंगर से अपने नोस्ट्रल को क्लोज कर देंगे, यानी आपका लेफ्ट नोस्ट्रल इसमें क्लोज हो जाएगा, वर्क है आपका इसमें राइट नोस्ट्रल का। अब आपको क्या करना है, राइट से इनहेल करना है, ब्रीथ लेना है लॉन्ग, इनहेल अब यहीं से आपको राइट से श्वास लेने के बाद लेफ्ट से करना है एक्सहेल, फिर दोबारा लेफ्ट से ब्रीथ को लेंगे इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। तो गाइज, ये था आपका सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें आपको अपने राइट नोस्ट्रल को एक्टिव रखना है, यानी राइट से इनहेल लेना है ऑल टाइम। यानी इसका अभ्यास आप 20 से 25 बार कर सकते हैं, और अगर आप बीच में थोड़ा सा थकान फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा गैप ले सकते हैं, यानी 10 से 15 सेकेंड आप बीच में रोक देंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते हुए आप इसको 4 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा अभ्यास है सूर्यभेदी प्राणायाम का। इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको शायद करने के बाद ही महसूस हो पाएंगे। तो खासकर काफ़ी सारे लोगों की शिकायत रहती है कि उनको स्नीजिंग यानी छींकने की बहुत समस्या होती है, बात बात पे जुकाम हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, बहुत जल्दी डस्ट से एलर्जी हो जाती है, इस तरीके की काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों का रीज़न क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम का वीक होना। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर वीक है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी स्लो है, डाउन है, तो इसकी वजह से ही हमें इजीली किसी भी तरीके की ये एलर्जियाँ हो गई या जुकाम बुखार, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही पकड़ लेती हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसका अभ्यास करना है सूर्यभेदी का। ये मैंने बिना होल्डिंग के आपको बताया है, बहुत ही सिंपल अभ्यास है, हर कोई व्यक्ति वेरी इजीली कर सकता है इसका अभ्यास। तो आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे
और साथ साथ में अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड और भी कोई इश्यूज हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है योगा वाले। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर, आईडी आपको नीचे दे दी जाएगी। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में हमारे बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोज़ के थ्रू आप तक ईजिली पहुँचते रहे। तो अभी के लिए नमस्कार दोस्तों।